श्री वृंदावन में मैं आनंद कंद कृष्ण यहाँ अपनी अनेका अनेक रसमयी मधुर लीला करूं हूं और उन लीला में मेरी गोरस चोरी लीला सर्वप्रथम रसमयी मधुर लीला है। या जगत के जीव जो चोरी करेंगे और मैं जो चोरी करूं वामे स्वर्ग नर्क विष अमृत दिन रात जैसो महान भेद है। यहाँ में आठ कारण हैं, वे आठ कारण कौन कौन से हैं जी बताए दो। प्रथम कारण तो यह है कि संसारिक जीव अभाव में पल करके चोरी करे, जब जीव पे कछु नहीं रहेंगे तब वह चोरी करेंगे। परंतु मैं तो सब प्रकार से परिपूर्ण है के हूँ चोरी करूँ जी। अब दूसरा कारण यह है जीव अपने स्वार्थ के लिए चोरी करे, परंतु मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपने ग्वाल बालन के लिए चोरी करूँ जी। अब तीसरा कारण यह है कि जीव पराई वस्तु की चोरी करेंगे, परंतु मैं अरे मेरी भी तो या संसार की सब ही वस्तु अपनी है। अब बताओ भलो अपनी वस्तु को लेनो कोई चोरी कावे ना कावे ना। और चोरी नाम तो पराई वस्तु को हरण करने को है जी। अब चौथा भेद है चोर चोरी करेंगे मालिक की बिना इच्छा के एवं बिना आज्ञा के, परंतु मैं तो इन ब्रज गोपीन की इच्छा में ही चोरी करूं जी। अब पांचवा भेद है चोर को कोई घर में नहीं बुलावे कि भैया हमारे घर आ जा और चोरी करके चले जा। चोरी तुम बुलावेगा चोर को घर में आए, परंतु मोबू तो ये ब्रज गोपी अपने घर में बुला के चोरी करवावे जी। अब छठवा भेद यह है प्रथम तो या चोरी करवे सो महान पाप लगे, यदि चोर को पकड़ो जाए तो महान दंड मिलेगे। दूसरे की धन माल की हानि होए हानि, मेरी चोरी में तो दोनों ओर प्रेम की गंगा यमुना किसी धारा बहे है जी। अब आठवां भेद यह है चोरी और चोर की चर्चा सो हमारे जो पुण्य हुए हैं वह नष्ट हो जाएंगे, हमारे जो पाप हुए हैं बढ़ जाएंगे। जो चोर की चर्चा को अपने कानों से श्रवण करेंगे उनको सदा अमंगल ही अमंगल हुए हैं। परम माखन चोर की चर्चा सो पाप जो हुए हैं वह नष्ट हो जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएंगे, कहवे सुनवे वाले को सदा मंगल ही मंगल हुए हैं। या प्रकार जीव की चोरी और मेरी चोरी में महान भेद है, परंतु जो मेरे या वास्तविक भाव को ना समझ केवल बाहर की क्रिया मात्र को ही देखे हैं, अब वे बेचारे बड़ी ही भूल में पड़ जाएंगे। अब यह ब्रज गोपी मोकू कितने प्रेम भाव से अपने घर बुलाए रही है, चलू मैं यहाँ के माखन को प्रसादी कर आऊ क्यों जी कर आऊ। सोने को पी की तेरे आए हरी पार बसरे, सोने को हमारे आचार्य प्रभु ने जो आपको सुना अनेक जन्मार दुर्भाव चल रहे हैं माखन के चुरे गोपाल चौरम गोपियों के वस्त्र सुराने वाले। और जो इस माखन चोरी लीला का कोई जीव चिंतन करता है अनेक पाप
चौरंग अनेक अनेक जन्मों के पाप ताप को नष्ट कर देते। ऐसे चौरा गगण्यम पुरुषम नमामि, चौरा गगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों में अग्रगण्य ऐसे उसको प्रणाम करता हूँ महाराज श्री शुक्रदेव जी। माखन चाखो चावते माखन नाथ पोरे, माखन चाखो माखन चाखो चावते माखन नाथ पोरे। देखत रही इन्हें गोपी का बांधूंगी दोनों हाथ तुम्हारे, भले मिले हो आज नाराज अपनी भवन उनको नंद महजू को राज। आज तो आप मैंने अपने घर में चोरी करते हुए पकड़ ली ना, अपने घर में और का तुम्हारे बाबा को बोले कि कौन कौन राज में क्यों पता कौन कौन है। अरे ये आपको बोलेगा का, अरे सखी तू ना को तो आज मूर्ति पड़ो जी। आपके कहा धोखो है गया हो, नहीं धोखो है गया हो बताओ तो क्यों। मैं जानो ये चीज आप नो यही धोखी में आयो, ये तीरों गले ना मैंने अपनो समझो यही भूल है गई मुक्ति। अच्छा मैं आ गया हूँ अब नहीं आऊँ ठीक है। आगे चला कोई बात ना, सब सबके घर आया जा रहा कर रहे हैं, पर ये बताओ ये माखन मिश्री कौन को समझो जो माखन में हाथ है। अब घर अपना समझो तो घर की वस्तु को भाग की समझ निकल तो आपकी मैया कुछ की ना खाओ घर में। हम मैया आते ही नहीं है बाबा, हमें पूछते हम कौन है यहाँ। अपने घर समझो तो तेरे जाने ना तो माखन जब तू तो आते ही ज्यादा बात है तू मत बना। अपने घर समझो तो मेरे घुमाओ यार तू माखन में आ मैं कहाँ जाएगो रे माखन में जा तू लाला तू कहाँ जाएगो रे तीनों शाम पकड़े थे अब कहाँ जाएगो रे तीनों शाम पकड़े थे ठीक है।
बांधूंगी मैं हाथ तुम्हारे मिले हो आज ऐसे लगे चेटी आती चलती चलती यहाँ जाओगे भाजी सोरी कर फिर नित घर घर तुम्हें टनक न आवे लाज सखी तेरे हाथ जोड़ू मैं तेरे पांव छू तुम हाथ छोड़ दे फिर मैं नहीं आऊंगा तेरे घर में चोरी करके नहीं आऊंगा ओ मेरे घर में ना आओगे लियो जी अरे मेरे घर में ना आओगे तो कहा और सखी के यहाँ जाओगे करोगे तो चोरी और कहा सखी के घर को तेने ठेको ले रखो है हाँ हमने ठेको ले रखो है अब बताओ नारायण जी भवन हो गो नंद महल को राज अब तुम कहाँ जाओगे भाज तू बांध दे ले बाल रही ही हार ये तो नाच दो तू छोड़ दे अच्छे नाचने की बात थे कभी आप नाचने की बात कर रहे हो तो वैसे आप ऐसा यदि आपको नाच में मुंह को अच्छा लगे ना तो आप छोड़ दूंगी और नाच को अच्छा ना लगे तो फिर आपको बाहर नहीं आपको हमारा नाच को अच्छा लगे और आपने अपने श्री मुख से यह कह दिया कि आपको नाच में मुंह को नहीं को अच्छा ना लगे तो फिर क्या बोलो हमारे बच्चन झूठे नाने के लिए हम झूठ नायबू नहीं कबल नाचते गावते को वीर जावते अच्छा लगे तो आप नाचो तो जी मेरा नाच तुम्हारा नाच तुम
पैसा को ना लगे दो पैसा को ना लगे सब ना ही कर रहे दो पैसा को हाँ हाँ बाप कैसे कहते दो पैसा को ना हाँ ना ही लगे तो पता हो नाचने में कितनों जोर पर है कितनों जोर पर है अरे चोटी का पसीना एड़ी पे आ जाए कितनों जोर पर है हाँ और आपको पता हो माखन निकालने में कितनों जोर पर है माखन निकालने जोर पर है और क्या कितनों तीन जगह तक कमर टेढ़ी करनी पड़े जब जाए तो थोड़ा सा माखन मिक्स है और बाप को आप खा जाओ तीन जगह तक कमर हाँ ये तो मुंह बना होगी ये तुम बांध रहे हो खा जाओ ले कोमल पटडोरी सो श्री ठाकुर जी के कोमल हाथ उन पर भी माखन लगा हुआ आहा रेशम की रस्सी बार बार फिसल जाती है क्योंकि सखी अपने बस में नहीं है श्री ठाकुर जी के मुखारविंद को दर्शन करके वो अपने आप को भूल गई मोहन करी लियो आपके पान छीलूंगी आप
खोलो तो सही। अरे ओ भैया ग्वाल वालो, उनके पांव छेड़ो तू भी मत। अरे वो तो आएंगे, मैं तो उनको निमंत्रण दे गया हूँ, सभी क्या बोलने आ। रजाई गई और जाम में धो दिए थप्पड़।
वो जहाँ पे ते बंसी छुड़ाए नहीं, कमरिया छुड़ाए नहीं, लबुटी छुड़ाए नहीं, फिर आयो सारो बेइज्जती है चाट को, रोम तो मार दिया, अब जी आयो मेरा मैं मिल गो जाए आगे के, अब मेरे आगे आते सारे ने एक थप्पड़ दिया तो मुझे रो बे मेरे आगे, मैंने कही जाए कोई पुरानी बीमारी हो जाई लगे, हाँ जब ही रो रहा है जी तो फिर मैंने टटोर के देखो जी बीमारी तो कोई ना है तो कोई अलग ही बात है, फिर मैंने दूध पे बारो यार कहलायो कुछ मारो मैंने कही क्या बात है तुम रो रहा है, तो जब जाने बताई कि बाबू ने कमरिया छुड़ा ली बंसी छुड़ा ली, मैं गया बाप के पास मुझे देख के शर्म शर्मा गए तो मोचन ने देख के बाद डर लगायो, मैंने बातें कही चोरी जाति लगो तो बंसी छुड़ाई तेरे तो छुड़ाई अच्छा? मेरे आगे चूना गली चूना गली ले गया बोली हाँ, और चुप वाले बंसी लगो तो कमरिया घर में ते निकाले थे चुप रह दिए सारे में समझ वो अरे और जी बोले सारे मैं समझ वो जाने काकई होएगी जाने Yeah, Chori, yeah, man.